आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के काउंटर यूएस के बारे में, जिसको बीएल और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया। देखिए, काउंटर यूएस का मतलब होता है एंटी ड्रोन सिस्टम्स, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होते हैं। और यहाँ पर हम लोग जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है D4, जो इस समय न्यू दिल्ली में अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय किया गया है। इस सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि आज हम लोग इस सिस्टम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, G20 के चलते पूरे नई दिल्ली को सिक्योर करने की कोशिश की गई है, और इस प्रोसेस में एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। अब जब ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए हैं, तो इनकी फोटोग्राफ्स अलग अलग मीडिया चैनल्स की तरफ से दिखाई जा रही है, और इन फोटोग्राफ्स और वीडियोस के आ जाने के बाद में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकल कर आए हैं। इस वीडियो के दौरान हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को समझेंगे और फ्यूचर में आने वाले सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की केबलिंग को लेकर। ANI की तरफ से जब ये वीडियो रिलीज किया गया था, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन निकल कर आया था कि DRDO इस तरीके की केबलिंग क्यों करता है, जिसके चलते सिस्टम की एस्थेटिक्स काफी ज्यादा खराब दिखती है। सबसे पहले जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सिस्टम पूरी तरीके से डिप्लॉयड नहीं है, अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे केबल्स जो इस समय कनेक्टेड हैं, वो सभी सेंसर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए कनेक्ट किए गए हैं, और एक बार जब ये सिस्टम डिप्लॉय हो जाएगा, तो बहुत सारे केबल्स यहाँ से हटा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि केबलिंग बेहतर हो सकती थी, हालांकि उस चीज के अपने खुद के डाउनसाइड्स हैं, जैसे कि इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ट्रबल शूटिंग भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। देखिए, ये सिस्टम तीनों सर्विसेज के लिए बनाया गया है, और इस समय तीनों सर्विसेज इसका प्रयोग कर रही हैं। जब ये सिस्टम एक फिक्स साइट के ऊपर डिप्लॉय किया जाएगा, तो वहां पर एक बेहतर केबलिंग लगाई जा सकती है। अगर आप इसके व्हीकल माउंटेड वर्जन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर केबलिंग बेहतर है। पहले तो ये साइट टेम्पररी साइट्स हैं, और बहुत सारी साइट्स तो ऐसी हैं जहां पर स्काफोल्डिंग्स के ऊपर इनको माउंट किया गया है। यानी कि इस तरीके की केबलिंग आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, और आप काफी आसानी से कॉम्पोनेंट लेवल पर चीजें ऊपर ले जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई केबलिंग की, लेकिन आइए समझ लेते हैं सिस्टम को डिटेल में। देखिए, D4 का मतलब है ड्रोन डिटेक्ट डिटर एंड डिस्ट्रॉय, यानी कि ये ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है, उनको डराता है, और जरूरत पड़ने पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली सिस्टम में चार कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला, ये रेडार जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले में है, ये छोटे ड्रोन्स को लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट करने में सक्षम है। वहीं पर दूसरा कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, जो डिटेक्टेड ड्रोन्स को क्लासीफाई करने के काम आता है। एक बार ड्रोन जब क्लासिफाई हो जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि क्या इसको सॉफ्ट किल मैकेनिज्म से मारा जाएगा या फिर एक हार्ड किल मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाएगा। टिपिकल ड्रोन्स को काफी आसानी से सॉफ्ट किल मैकेनिज्म से मारा जा सकता है। इनके GPS सिग्नल, डेटा लिंक या कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम कर दिया जाता है, जिसके बाद इन ड्रोन्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि बहुत सारे ड्रोन्स ऑटोनोमस ड्रोन्स होते हैं, जिनको इन सिग्नल्स की आवश्यकता नहीं होती है। उस तरीके के टारगेट्स के लिए इसके पास में अपना खुद का एक लेजर गन है, और इस लेजर की मदद से ये ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, सॉफ्ट किल और लेजर दोनों का कॉम्बिनेशन ड्रोन स्वार्म के खिलाफ काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन है, क्योंकि इसको बार बार रीलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इमेजिन कीजिए कि इलाके में एक ऐसा ड्रोन आ जाता है जो लेजर की कैपेसिटी के बाहर है, और इस तरीके के ड्रोन्स को मारने के लिए आपको सुपर हार्ड किल मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। ऐसी सिचुएशन में ये काउंटर यूएएस सिस्टम सीविस के साथ में काम करते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीविस का मतलब है क्लोज इन वेपन सिस्टम, जैसे कि L70 गन या शोल्डर माउंटेड V-SHORAD। इन सिस्टम्स को लेकर रिक्वायरमेंट साल 2020 के आसपास निकल कर आई थी, और हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये सिस्टम ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। इनफैक्ट जेन टेक्नोलॉजीज का सिस्टम और डेफसिस सिस्टम का काउंटर यूएएस भी भारतीय सेनाएं अपने बेड़े में शामिल कर चुकी हैं। लेकिन G20 के दौरान नेचुरली आपको L70 गन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से इस सिस्टम को यहाँ पर लिमिटेड कैपेसिटी के साथ में ही डिप्लॉय किया गया है। यानी कि वो जो गाना था ना, वो टिडिंग 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 बाय द एक्टर, हमारे केस में इफेक्टिव नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।